आज किस वीडियो में हम बात करेंगे, लोग आपको हल्के में क्यों लेते हैं, लोग आपका मजाक क्यों उड़ाते रहते हैं, लोग हमेशा आपको रिजेक्ट क्यों करते रहते हैं, क्यों हमेशा आपको इग्नोर करते रहते हैं, क्यों आपको हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जब भी आप सोशल सिचुएशंस में होते हो तो लोगों द्वारा आप इग्नोर क्यों किए जाते हो। जब भी आप किसी फेवरेट पर्सन को पसंद करते हो एंड उसको पाना चाहते हो तो आप अपने फेवरेट पर्सन द्वारा इग्नोर क्यों किए जाते हो। आप किसी लड़की को पसंद कर रहे हो, उसको पटाना चाहते हो, लेकिन वो आपको इग्नोर क्यों करती है। आप ऑफिस में हो, आपके कलीग्स क्यों आपको इग्नोर करते हैं। आप क्लास में हो, ट्यूशन में हो, आपके जो दोस्त है वो आपको क्यों इग्नोर करते हैं। तो वीडियो का मुद्दा है लोग आपको हल्के में क्यों लेते हैं, इस वीडियो में आप जानोगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के, फटाक से एक लाइक कर दो क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर दोगुना हो जाता है। तो नंबर वन रीजन है अपने एंबैरेसमेंट को लाइटली लेना। आप जब भी ग्रुप में होते हो, सोशलाइज कर रहे होते हो, मे बी ट्यूशन में, स्कूल में, या फिर दोस्तों के साथ खेल रहे हो, या फिर दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, उस वक्त जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो आप बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं करते। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनका मजाक बनाया जाता है, किसी न किसी रीजन से हमेशा उनका मजाक बनता रहता है, उनके सेल्फ इमेज की धज्जियां उड़ाई जाती है लोगों के सामने, हर कोई उनका मजाक बनाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो एकदम हंसते रहते हैं। और ऐसे में क्या होता है, पहले एक आदमी मजाक बना रहा होता है, दूसरा देखता है कि ये कुछ नहीं बोल रहा है, दूसरा भी बनाता है, फिर तीसरा भी बनाता है, फिर चौथा भी बनाता है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग उनका मजाक बनाने लगते हैं। फिर लोग उस इंसान को हल्के में लेने लगते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं बोलता, इसमें कुछ दम नहीं है, इसको कुछ भी बोल दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको जो मन हो बोल दो। जिस सांप के अंदर जहर नहीं होती ना, वो भी फुफकार मारता है, काटता है लोगों को डराने के लिए। ये उसका दिखावा होता है लोगों को डराने के लिए, इसलिए क्योंकि अगर लोग जान जाएंगे कि उसके अंदर जहर नहीं है ना, तो लोग उसको मार डालेंगे। सिमिलरली जब कोई पहला बंदा आपका मजाक बनाने लगता है, उसी वक्त जब आप उसको डांट देते हो, उस पर चढ़ जाते हो पूरी तरह से, तब कोई भी आपका मजाक नहीं बनाएगा। तब किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको लाइटली लेने की, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो लोग आपको लाइटली लेंगे। रीजन नंबर टू है आपका सेल्फ इमेज खुद के नजर में बेकार है। आप खुद को बेकार मानते हो, आप ये नहीं मानते कि आप लोगों के लिए वर्दी हो, लोगों के दोस्ती के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, उनके बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए वर्दी हो। आप खुद के अंदर की इनसिक्योरिटीज से घिरे हुए हो, आप खुद के अंदर सेल्फ डाउट निकालते रहते हो, जिस वजह से आप लोगों के सामने जब स्टैंड करते हो तो आपकी जो इमेज है बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट लगती है। और जब आप खुद को भीड़ से छुपाने की कोशिश करते हो, अपने अंडर कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी को दुनिया से छुपाने की कोशिश करते हो, या फिर लोग जब देखते हैं आपको अंडर कॉन्फिडेंट, तो ऐसे में लोग आपका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इस दुनिया का सिंपल रूल है कि जो इंसान कमजोर है उसको हर कोई दबाने जाता है, उसको हर कोई अवॉइड करता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है, जबकि जो इंसान स्ट्रांग है उससे लोग डरते हैं, लोग उसकी वैल्यू करते हैं एंड लोग उसको पूजते हैं। तो अगर आपकी सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा कम है, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम है, तो हमने एक वीडियो बना रखा है सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम पर, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। पॉइंट नंबर थ्री है योर फेवरेट पर्सन डजंट लाइक यू। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी लड़की को पसंद कर रहे होते हैं जिसको हम गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, मे बी उसको वाइफ बनाना चाहते हैं फ्यूचर में, या फिर अगर आप गर्ल हो तो आप किसी लड़के को पसंद करते होगे जिसको बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो, हस्बैंड बनाना चाहते हो। आप तो बहुत ज्यादा चाहते हो कि वो इंसान आपके लाइफ में आ जाए, लेकिन क्या वो इंसान भी चाहता है आपको? अक्सर ऐसा होता है कि हम जिस इंसान को पसंद करते रहते हैं, हम जिस इंसान को पाने की चाहत में होते हैं, हम उसको मैसेज करते रहते हैं, हमेशा कॉल करते रहते हैं, हमेशा उसकी वैल्यू करते रहते हैं, हमेशा उसको भाव देते रहते हैं, लेकिन उस इंसान को हम पसंद ही नहीं होते। उस इंसान के लाइफ में शायद कोई और होता है जो हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिस वजह से हमें बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है। तो अगर आप किसी के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट मार रहे हो, बहुत ज्यादा उसको भाव दे रहे हो, लेकिन सामने से आपको सिर्फ इग्नोर ही किया जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में सिंपल समझ जाओ कि भाई उसके लाइफ में कोई और है एंड आपको अपने लाइफ में ना मूव ऑन करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में लोग खुद के बारे में बुरा सोचकर बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, आप किसी इंसान को पसंद नहीं हो, दैट इज ओके, क्योंकि वो उसकी चॉइस है। यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उसकी चॉइस है। हर इंसान का जो है पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी, अलग होता है। हम किसी के पॉइंट ऑफ व्यू, किसी के ओपिनियन को चेंज नहीं कर सकते। हमारा काम है सिर्फ अपने पर्सनालिटी पर काम करना, और यही हमारा काम है। अगर हम किसी को पसंद नहीं आ रहे, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उसकी प्रॉब्लम है। तो खुद के बारे में बुरा सोचना बंद करो और किसी और पर ट्राई मारो। वैसे ऑनेस्टली बताना कि जितने पॉइंट्स मैं बताऊंगा, उन सारे पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स तुम्हारे लाइफ में मैच हो रहे हैं, तुम्हारे साथ हो रहे हैं। मैं सारे लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ, कमेंट करो, मैं सारे लोगों को लाइक देने वाला हूँ। और अगर तुमने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो जाओ फटाक से फॉलो करो, वहाँ तुम मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज में बात भी कर सकते हो, तुम्हारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे जो तुम चाहते हो। तो आईडी दिख रही होगी, फटाक से जाकर फॉलो करो। रीजन नंबर फोर, यू आर वीक। जब लोग आपको कमजोर मानते हैं, जब लोग आपको बहुत ज्यादा वीक मानते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपका मजाक उड़ाया जाता है, ऐसे सिचुएशन में लोग आपको इग्नोर करते हैं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल होता है तो आसपास के जो उसके वीक लोग होते हैं उसको इग्नोर करता है, क्योंकि वो अपने पावर के घमंड में रहता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो कि आपसे ज्यादा पावरफुल है, मे बी फिजिकली ज्यादा पावरफुल होंगे, मे बी
फाइनेंशियली ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, मे बी नेटवर्किंग की वजह से वो ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, वो आपको इग्नोर करेंगे। तो अगर आपके आसपास के लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो कि आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, मे बी फिजिकली इंप्रूव करने की जरूरत है, मे बी फाइनेंशियली इंप्रूव करने की जरूरत है, मे बी नेटवर्किंग इंप्रूव करने की जरूरत है। जब आप खुद में इंप्रूवमेंट ले आते हो तो लोग आपको वीक समझना बंद कर देंगे, एंड जब आपको लोग वीक समझना बंद कर देंगे आपको वो सोशल वैलिडेशन मिलना शुरू हो जाएगा। अक्सर लोगों का मजाक उस चीज की वजह से उड़ाया जाता है जिस एस्पेक्ट में वो वीक होते हैं। जैसे कि कोई बहुत ज्यादा पतला है तो उसको लोग सुखड़ी हड्डी बोलेंगे, जैसे कोई बंदा है जिसको ढंग से बोलने नहीं आता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कुछ भी बोलकर, कोई ढंग से क्रिकेट नहीं खेलेगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि अरे तेरे को क्रिकेट नहीं खेलने आता क्या चूतिया है। तो इग्नोर होना, मजाक बनना अक्सर आपके वीकनेस की वजह से होता है, उस वीकनेस को सही करो एंड डेफिनेटली आपको सोशल वैलिडेशन मिलना शुरू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 है, यू आर टू नाइस टू पीपल। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग बहुत ज्यादा नाइस होते हैं, जिनको अगर कुछ भी बोला जाए तो वो कर देते हैं, जिनको अगर मजाक उड़ाया जाए तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, जिनका लोग फायदा उठाते हैं और फिर उन्हीं का मजाक उड़ाते हैं फिर भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो जब लोग देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा नाइस है, ये किसी के भी कुछ भी बोलने पर कुछ भी करवाने पर कुछ नहीं करता है, तो लोग आपके नाइस होने की वजह से आपको टारगेट करते रहते हैं, लोग आपके नाइस होने की वजह से आपका मजाक बनाने लगते हैं। क्योंकि इस दुनिया का सिंपल रूल है, सॉफ्ट टारगेट हर कोई करना चाहता है, क्योंकि लोगों को ना सोशल वैलिडेशन चाहिए, लोगों का मजाक उड़ाकर खुद को बेटर फील करवाते हैं, खुद के अंदर की इनसिक्योरिटीज को हील करते हैं। तो अगर आप एक सॉफ्ट टारगेट हो, अगर आप बहुत ज्यादा नाइस हो लोगों के लिए, तो आपका मजाक बनेगा, आपको लोग इग्नोर करेंगे, आपको लोग अवॉइड करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक कहावत है कि जंगल में जो सबसे सीधा पेड़ होता है ना उसको सबसे पहले काटा जाता है, क्योंकि उसको काटना बहुत इजी होता है। तो बहुत ज्यादा नाइस बनना बंद करो लोगों के साथ, यही आपके बर्बादी का कारण है। पॉइंट नंबर 6 इज, आप बहुत ज्यादा चेप हो। जब आप लोगों को उनके औकात से ज्यादा अटेंशन देने लगते हो, उनके औकात से ज्यादा भाव देने लगते हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी इंसान की बहुत ज्यादा वैल्यू करने लगते हैं, उसकी भक्ति करने लगते हैं, उसे हमेशा मैसेज करेंगे, हमेशा कॉल करेंगे, हमेशा अटेंशन देंगे, उसको ऐसा फील कराएंगे कि उसके बिना हमारी जिंदगी पूरी तरह से अधूरी है। और जब उस इंसान को लगता है कि यह हमें आसमान पर चढ़ा रहा है, बाप रे बाप, तो वो हमें धरती पर गिरा देता है। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब आप किसी को औकात से ज्यादा वैल्यू देने लगते हो तो उसको लगता है कि आपकी वैल्यू बहुत कम है, उसके बिना आपकी जिंदगी नहीं कटने वाली। एंड जब ऐसा होता है तो वो आपको अवॉइड करने लगता है, वो आपको इग्नोर करने लगता है, एंड कई बारी दूसरों के सामने आपकी बैक बिचिंग भी करता है कि कैसे मेरे पीछे घूम रहा है। तो अगर वैल्यू चाहिए तो लोगों को उनके औकात से ज्यादा वैल्यू देना बंद करो। पॉइंट नंबर 7 है, लोग आपसे नफरत करते हैं। कई बारी आप ऐसे जगह पर जाते हो जहां पर ना लोग आपको इंटेंशनली इग्नोर करते हैं, जानबूझकर आपको इग्नोर करते हैं, बिकॉज वो आपको हेट कर रहे होते हैं। अब वो हेट क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है, ये तो इसको आप साइड में कर दो। हेट करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इस पर एक प्रॉपर वीडियो बन सकता है, लेकिन मुद्दा यहां पर यह है कि जब लोग आपको हेट करते हैं तब लोग आपको बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, लोग आपको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। कई बार आप उनको बोलोगे कुछ तो वो आपकी बातें अनसुनी कर देंगे। तो जब लोग आपको हेट करेंगे ना, तो आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे ना कि आपको चुभेगी, आपको लगेगा कि भाई ये क्यों बोल रहा है मुझे, इसको क्या दिक्कत है मेरे से। कई बार ऐसे टॉक्सिक एनवायरमेंट में इंसान खुद पर डाउट करने लगता है, खुद पर सेल्फ डाउट करने लगता है कि भाई इतने सारे लोग मुझे हेट कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे में कुछ गलती है। बट ऐसा नहीं होता, जो लोग आपको हेट कर रहे हैं ये उनकी ओपिनियन है। एट द सेम टाइम आप कई सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको प्यार भी करते होंगे, जिनके लिए आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, तो ये उनका पीओवी है। आप कैसे हो, आप अच्छे भी हो बुरे भी हो, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता है। तो कोई हेट कर रहा है तो ये उसका पीओवी है, इससे आपकी पर्सनालिटी अफेक्ट नहीं होती है। मैंने पहले भी कहा है अपने वीडियोस में कि किसी और के ओपिनियन के हिसाब से अपना सेल्फ इमेज डिसाइड मत करो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। रेगुलर वीडियोस आ रही है, मैं एकदम फॉर्म में चल रहा हूं, तो भाई रेगुलर आके चैनल पे वीडियोस देख लिया करो। इस वीडियो को शेयर कर दो जिनको लगता है कि भाई हमेशा लोग मुझे इग्नोर क्यों करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, love you।